हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, जून के महीने में मतलब कि 14 जून को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ था तमिल लैंग्वेज की मूवी महाराजा। इसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर विजय सेतुपति, ममता मोहनदास और अनुराग कश्यप जैसे एक्टर देखने को मिलते हैं। और इस मूवी को लगभग थिएटर्स में रिलीज हुए 21 डेज के आसपास का कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी के 21 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो कि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे महाराजा मूवी का जो टोटल बजट था वो तो लगभग 30 करोड़ के आसपास का था, तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया में 600 के आसपास के ही स्क्रीन प्रेस किया गया है। चाहे इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ तमिल और इसके तेलुगु लैंग्वेज में थिएटर्स में रिलीज किया गया है, इस मूवी को अब तक हिंदी लैंग्वेज में रिलीज नहीं किया आपको। चाहे भी इस मूवी को अब तक सिर्फ और सिर्फ इसके ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल और तेलुगु में भी कुछ स्क्रीन रिलीज किया गया है। इसके चलते इस मूवी को शुरुआतों दिनों में काफ़ी कम स्क्रीन ही मिला था, पर आगे जाके इस मूवी का रिव्यू काफ़ी अच्छा निकलने के वजह से इस मूवी के स्क्रीन काउंट को भी थोड़ा सा बढ़ाया गया और इस मूवी का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमें अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। जहाँ पे महाराजा मूवी अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया से 4.70 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था, जिसमें कि इस मूवी ने अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग 3.60 करोड़ के आसपास का तमिल लैंग्वेज में कलेक्शन किया था और तेलुगु लैंग्वेज में भी इस मूवी ने लगभग 1.10 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो में एक्सट्रीम लेवल का इंक्रीज होते हुए देखने को मिला था। जहाँ पे महाराजा मूवी अपने रिलीज होने के लगभग 20 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 67.42 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर चुका था। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी के डे 21 का जो हमारे इंडिया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आया है वो लगभग 38 लाख के आसपास का है, जिसमें कि इस मूवी ने लगभग तमिल लैंग्वेज में 30 लाख के आसपास का कलेक्शन किया था और तेलुगु में इस मूवी ने 8 लाख के आसपास का कलेक्शन किया है अपने डे 21 को हमारे इंडिया से। जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के 20 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो यहाँ पे महाराजा मूवी अपने रिलीज होने के 21 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 67.80 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर चुका है। इसी के साथ मूवी ने ओवरसीज से भी अच्छा खासा कलेक्शन करने की वजह से महाराजा मूवी के 21 डेज का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है लगभग 102 करोड़ के आसपास का चला जाता है। जिस मामले में इस मूवी का टोटल बजट तो लगभग 30 करोड़ के आसपास का ही था और अगर इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेना था तो उसे 40 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना पड़ता। जो कलेक्शन थे मूवी बहुत पहले बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट कर चुका ही है और अभी भी जिस तरीके से इस मूवी का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, उससे एक बात तो कन्फर्म कहा जा ही सकता है कि महाराजा मूवी का ऑल टाइम हमारे इंडिया का जो नेट कलेक्शन होगा वो 75 करोड़ से लेकर 80 करोड़ के आसपास का तो आराम से जाएगा ही, उससे ज़्यादा भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर सकता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने अगर महाराजा मूवी को थिएटर में जाके देखा है तो आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।